नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। त्रिपुरा और नागालैंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर कार्यालय के सामने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया त्रिपुरा और नागालैंड की जीत का जश्न, पटाखे फोड़ और मिठाइयां बांटकर मनाई खुशी। भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न जगदलपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने मनाई गई। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा, बीजेपी की जीत ने सिद्ध कर दिया कि त्रिपुरा और नागालैंड देश के सामने विकास और प्रगति का मॉडल है। आज पूरा देश इस जीत को विजय उत्सव के रूप में मना रहा है। नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा, त्रिपुरा और नागालैंड की जनता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा किया। नॉर्थ ईस्ट में 3 जगहों का चुनाव हुआ, जिसमें नागालैंड है और त्रिपुरा है, दोनों में जीत हुई है और मेघालय में भी हमारी सरकार बनेगी, ये पूरा ऐसा मानना है। और जीत जो है ना, बंपर जीत हुई है, इसमें हम कह सकते हैं त्रिपुरा और मेघालय में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और मेघालय में भी बनेगी, ऐसा नॉर्थ ईस्ट में पुनः हमारी जीत की है। जश्न माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, जश्न माननीय हमारे राष्ट्रीय अमित शाह जी के नेतृत्व का है, हमारे जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व का है। ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है कि नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में हमने पुनः भारत भाजपा का ध्वज फहराया है। इस जीत को हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगदलपुर नगर मंडल के लोग हम यहाँ पे मना रहे हैं। और ये जीत का जो लक्ष्य चला है, ये श्रृंखला चली है, ये जाकर 2024 में पुनः केंद्र में हमारी सरकार बनाएंगे और फिर 2023 में हम छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाएंगे, 2024 में पुनः केंद्र में सरकार बनाएंगे और नगर निगम में भी इस बार हमारी सरकार बनेगी।